नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आशीर्वाद यात्रा में भाग लेने जाने के दौरान चिराग का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, कहा बिहार में होगा सत्ता परिवर्तन। आईपीएस स्वर्ण प्रभात ने सीटीएसपी के रूप में किया पदभार ग्रहण, बोले अपराध नियंत्रण होगी पहली प्राथमिकता। श्रावणी मेला को लेकर अभी भी संशय बरकरार, मेला आयोजित नहीं होने से व्यवसायी कर्ज में डूबे। और नवगछिया पुलिस ने छापेमारी कर सिमरिया गांव से मुनिलाल मंडल को दो देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ रंगे हाथ दबोचा। अब खबरें विस्तार से। लोक जनशक्ति पार्टी में पड़ी फूट के बाद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के जरिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा के दौरान बड़े काफिले के साथ नवगछिया पहुंचे चिराग पासवान का कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान लोजपा की प्रदेश प्रवक्ता संगीता तिवारी के नेतृत्व में महिलाओं ने आरती उतारा और टीका भी लगाया। इस दौरान चिराग पासवान ने इशारों में ही बिहार में जल्द सत्ता परिवर्तन की बात भी कर डाली। दूसरे चरण में चिराग पासवान कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिलों में कार्यक्रम करेंगे। भागलपुर जिले में आईपीएस ऑफिसर स्वर्ण प्रभात ने बतौर सीटीएसपी शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। स्वर्ण प्रभात इससे पूर्व प्रदेश की राजधानी पटना में एएसपी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने पटना में एएसपी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर रहते हुए कई बड़े केसेस को क्रैक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद शहर में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में सुधार लाने के साथ पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को इन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई है। अपराध को नियंत्रित करें और विधि व्यवस्था का संतुलन बना रहे और समाज में जो भाईचारा है, जो एक पुलिस की प्राथमिकता होती है, बनाए रहे। सरकार की भी यही प्राथमिकता होती है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में अच्छा सामंजस्य बना रहे और फ्रेंडली पुलिस हो। हम लोगों का हमेशा यही प्रयास रहता है। सुल्तानगंज में श्रावणी मेला को लेकर अभी भी संशय बरकरार है और सभी धार्मिक स्थल बंद है। इसके बावजूद भी शुक्रवार को अहले सुबह से ही सीढ़ी घाट एवं जहाज घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा तट पर देखने को मिली। 25 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रावणी मेला के आयोजन पर रोक रहेगा। लेकिन आज सुबह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को मुंडन संस्कार शुभ दिन माना जाता है। इसी को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों के लोगों ने सुल्तानगंज पहुंचकर मां गंगा का स्नान ध्यान कर अपने पुत्र व पुत्री का मुंडन कराया। कोरोना के पहले और दूसरे लहर में देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, वहीं इसका सर्वाधिक असर सुल्तानगंज में देखा जा सकता है। यहां पिछले वर्ष श्रावणी मेला के आयोजन नहीं होने के कारण हजारों व्यवसायी कर्ज में डूब चुके हैं। अगर इस वर्ष भी श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होता है तो ऐसे लोगों को काफी मुश्किल हो जाएगी। सुल्तानगंज की सारी अर्थव्यवस्था श्रावणी मेले पर भी निर्भर करती है। यह सावन नहीं होने से यहाँ के गरीब लोग, पंडा समाज, दुकानदार समाज सब लड़बड़ा चुके हैं। इस पे ध्यान मेरा सीएम को भी देना चाहिए और झारखंड सीएम को भी इस चीज को देना चाहिए। अगर सावन नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यात्री जो सावन में जल चढ़ाता है बाबा को, कम से कम 10,000 यात्री को जल चढ़ाया दिया जाए झारखंड में बाबा बैजनाथ को। श्रावणी मेला अगर नहीं चलता है तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और अगले आज 2 साल से श्रावणी मेला नहीं चल रहा है, हम लोग वैसे ही कर्ज में डूब चुके हैं। भागलपुर के नवगछिया के रंगरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सिमरिया गांव से मुनिलाल मंडल को दो देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ रंगे हाथ धर दबोचा। छापेमारी अभियान का नेतृत्व खुद थाना अध्यक्ष मेहताब खान कर रहे थे। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सिमरिया गांव में एक व्यक्ति अपने दरवाजे पर हथियार के साथ बैठा हुआ है। तुरंत नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया।
टीम में थानाध्यक्ष मेहताब खान के साथ अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। जब पुलिस ने अमुक ठिकाने पर छापेमारी की तो अपने दरवाजे पर हथियार के साथ बैठा व्यक्ति भागने लगा, जिसे पुलिस बलों ने फुर्ती के साथ धर दबोचा। पुलिस ने मुनीलाल के पास रखा एक बड़ा कट्टा और कमर से एक छोटा कट्टा के साथ एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कर ली गई है, जबकि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी मिली थी कि मई में कांड दर्ज हुआ था 209/21 रंगरा थाना, उसमें दो अपराधी शराब के साथ, अवैध शराब के साथ और हथियार से गिरफ्तार हुआ था। उसके कन्फेशन में एक मुनीलाल मंडल का नाम आया था, जो इसका मेन बॉस है कहिए या नेता कह लीजिए या सब मतलब लीडर कह लीजिए। तो यह कल जानकारी मिली कि फिर ये 9 से हथियार के साथ इधर पिंटंगा की तरफ आ रहा है। जानकारी मिलते ही SDPO खुद एरिया में मोबाइल थे, उसी एरिया में फिर SDPO और DSP प्रोबेशनर को टीम बना करके, जिसमें कि रंगरा थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी SI राधेश्याम सिंह वगैरह सभी सबके थे, तो रेड किया गया। छापामारी करने में वो भागने की कोशिश किया, लेकिन हमारे पूरी टीम ने अपना बहादुर गिरफ्तार किया। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बकरीद पर्व पर विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने, भूमि विवाद से संबंधित मामले का जल्द से जल्द निपटारा किए जाने, बिहार सरकार के द्वारा लागू शराबबंदी कानून के तहत शराब तस्करों से जब्त किए गए शराब का विनष्टीकरण और जब्त वाहनों की नीलामी के साथ संभावित पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा जिलाधिकारी ने की। इस दौरान DM ने सभी अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने का निर्देश भी दिया। बैठक के दौरान अपर समाहर्ता राजेश झराजा, DDC सुनील कुमार, SDO आशीष नारायण सहित जिले के सभी DSP और जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद थे। प्रधान डाकघर भागलपुर में फिलाटेलिक पार्क का उद्घाटन प्रधान डाकघर भागलपुर के अधीक्षक एवं वहां के कई पदाधिकारियों ने फीता काट कर किया और साथ ही प्रधान डाकघर भागलपुर में डाक विभाग की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई। डाक विभाग द्वारा इस प्रदर्शनी में नॉलेज थ्रू स्टाम्प के रूप में कई जानकारियां लोगों तक पहुंचे, इसका मुख्य उद्देश्य है। डाकघर के डाक अधीक्षक ने कहा कि डाक विभाग के द्वारा यह फिलाटेलिक पार्क कई मायनों में लोगों को ज्ञान प्रदान करेगा, चाहे वह बड़े हो या बच्चे हो, बुजुर्ग हो, इससे वह ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यहाँ आकर वह जान सकते हैं कि हमारे यहाँ किस किस तरह के पशु पक्षी, रंगीन कीट पतंग, आयुर्वेदिक प्लांट, वन्य प्राणी आदि है। भागलपुर प्रधान डाकघर के प्रांगण में एक छोटा सा पार्क है। इस पार्क को आज से हम लोग फिलेटली पार्क के नाम से जानेंगे। आपके सामने जो स्टाम्प लगे हुए हैं स्टैंड में, वह विभिन्न तरह का स्टाम्प है जो भारतीय डाक विभाग द्वारा निकाला गया है। ऐसे इसमें गुलाब के फूल हैं और बट वृक्ष हैं, पीपल का वृक्ष है, जिनको हम लोग धरोहर और वायुमंडल के लिए अच्छा मानते हैं, और कुछ जो है से औषधीय वृक्ष है, उसका भी हम लोग फ्लैटली स्टाम्प के रूप में निकाले हुए हैं। सनावला थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में बच्चे को शराब तस्कर धक्का देकर मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद ग्रामीण लोग मोटरसाइकिल सवार को पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन सवार मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस द्वारा जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो मोटरसाइकिल से 25 बोतल देशी शराब पाया गया। थाना प्रभारी सनहौला राजीव कुमार द्वारा शराब और गाड़ी को जब्त कर थाना लाया गया और शराब तस्कर की खोज की जा रही है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय सभागार में अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख अपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि CO शंभु शरण राय, सांसद प्रतिनिधि पवन केसान, विधायक प्रतिनिधि राजकुमार झा थे। बैठक में बाढ़ के मुद्दों को लेकर चर्चा किया गया। इस दौरान अनुश्रवण समिति के सदस्य तिलकपुर मुखिया प्रतिनिधि विभीषण मंडल, अनुरुद्ध यादव, नीरज कुमार, मिरहट्टी मुखिया मदन मंडल, जदयू प्रखंड उपाध्यक्ष शविनाथ मंडल, महेशी मुखिया अनीता देवी इत्यादि मौजूद थे। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।